याद रखिएगा कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं। वो नहीं रखना चाहते मुझे, अगर अपने साथ तो क्या करूँ मैं। जी दोस्तों, ये इमोशनल से सीन देखे आपने, इमोशनल से ड्रामे के, जिसका कि नाम है बेटियां। जल्दी से आपको बताते हैं क्या होगा, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत मासूम सी, प्लीज़ मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना। अब जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। वैसे दोस्तों, इस ड्रामे में ना वाकई दिखाया गया पेरेंट्स कितने मजबूर होते हैं। अब फिज़ा के डैड बेचारे इतने मजबूर हैं, इतने मजबूर और परेशान हैं, और वाकई में उन्हें ये एहसास भी हो रहा है कि ठीक है, आयज़ा छोड़ के चली गई थी, लेकिन मुझे फौरी तौर पर फिज़ा की शादी नहीं वहाँ करनी चाहिए थी। अब आप जानते हैं दानिश की जो मामाएं कितनी इंसल्ट करके चली गई, जो उनके मुंह में आया बोलती चली गई, काफ़ी इंसल्ट की इन्होंने। इस बात पे भी वो नाराज़ हैं कि ये कोई तरीका नहीं था। मगर दूसरी तरफ अगर फिज़ा को देखें तो वो भी अपनी फूफो और दादी को, क्योंकि वो दोनों फूफो और दादी बहुत टीज़ करती हैं, और कोई ना कोई उन्होंने ऐसी बात की है कि उसे भी गुस्सा आया। और फिज़ा कह रही है कि आप हर वक्त ये क्यों सोचते हैं कि मेरा ही कसूर है, या मैं ही प्रेशराइज़ करूँ उन्हें कि मुझे एक्सेप्ट कर लें, मुझे कोई एक्सेप्ट कर ले, बस यही रह गया दुनिया में। मतलब इस किस्म की जब वो बातें कर रही है, तो इस वजह से भी जो सीन है बड़ा इमोशनल सा था, तर्स आ रहा था। तो दोस्तों, इस तरह से है ये ड्रामा। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।